नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं संदीप तिवारी चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। एक हम लोग लगातार जो है तमाम बैचेस के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, तो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं। आज हम एक नई मुहिम के साथ, नई श्रृंखला के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। आप सभी लोग जो है, जैसे कि कल रवि सर ने इंट्रोड्यूस किया था, कुछ बातें आपसे डिस्कस करी थी, तो एक आपके जो है आपके लिए कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं उन तमाम अभ्यर्थियों का जिन्होंने एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर रखा है। हालांकि हमारे चैनल से एक बड़ी बैच हम लोगों ने सक्सेसफुली जो है कंप्लीट किया था, जिसके तमाम छात्र उसके साक्षी हैं, उन्होंने प्रॉपर बैच को पढ़ा है, उस पर हम लोगों ने प्रॉपरली जो भी कंप्लीट कोर्स करने की स्थिति होती थी, जिस प्रकार के पीडीएफ्स की जरूरत होती थी, जिस प्रकार के कोर्स की रिक्वायरमेंट होती थी और स्ट्रेटजी के साथ हम लोगों ने फलीवाद कंप्लीट की। उसी के लिए रवि सर ने कल आपको जो है बातें आपसे शेयर करी कि अगर हम लोग एक स्ट्रेटजी बना करके फिर से प्लान करें, क्योंकि परीक्षा का माहौल आपके सामने बन रहा है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार संस्थान के संपर्क में हैं, वो लोग लगातार हमसे यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं कि हम लोगों को भी किसी तरह से संस्थान के साथ जुड़ने का मौका मिले। इसी मुहिम में हम लोगों ने प्लान किया कि जैसा कि संस्थान आपके साथ हमेशा इन सब चीज़ों के लिए न्यायसंगत रहा है, कि आपको किसी भी हालत में जो है लेकर चलने के उद्देश्य से हम लोगों ने एक नया क्रैश कोर्स जो फुल्ली डिपेंडेंट है एनटीपीसी पर और एनटीपीसी के एक नए स्ट्रेटजिक शेड्यूल के साथ, नए एक पाठ्यक्रम के साथ, नए अप्रोच के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। इस क्रैश कोर्स के बारे में काफ़ी हद तक जो है रवि सर ने आपको बता दिया है कि हम इसमें क्या भूमिका रखेंगे। हालांकि आप सब जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमसे पढ़ चुके हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, सब लोग जानते होंगे कि हमारी प्रक्रियाएं क्या होती, हमारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस प्रकार से हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि आप नए होते हैं हमारे लिए और हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हमारे सर्विसेज का यूज करना चाहते हैं, जिसको हम लोग जो है यहाँ पर संस्थान में प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए हम लोग एक बेहतर मुहिम के साथ, बेहतर प्लानिंग के साथ फिर से आपके सामने हैं। तो आज हम उसी उद्देश्य से, क्योंकि एनटीपीसी के नए कोर्स की बात यहाँ पर, नए हम क्रैश कोर्स की बात यहाँ पर करने जा रहे हैं, उसी उद्देश्य से हम क्लासेस की हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसमें कुछ आपको जो है ऐसी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जो पूरी तरह से प्रमोशनल होंगी या आपके लिए जो है प्रेजेंटेशन के तौर पर आपको दी जाएंगी। हालांकि इन क्लासेस से भी आप बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैं उन सभी छात्रों के लिए सबसे पहले बता देना चाहूँगा जो हमसे संस्थान में अपनी पॉजिटिविटी को दिखाते हुए संस्थान के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में आना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को सशक्त करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन के स्ट्रेटजी को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए मैं उनको जानकारी देना चाहूँगा कि एक हम लोगों ने जो बैच प्लान किया है वह आपका एनटीपीसी क्रैश कोर्स है, जो कि टारगेट 55 डेज का बैच है। हम लोगों ने 55 डेज इसलिए रखा है क्योंकि जो संभावित परीक्षा की तारीख आई हुई है वह आपकी जनवरी के प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह या ऐसे कह सकते हैं जनवरी माह में होने को लेकर के है। तो जनवरी माह में अगर है तो हम लोग यहाँ पर अभी से अगर बैचेस को प्लान कर रहे हैं और एक सही रणनीति के साथ पढ़ने की दिशा में हैं, तो हम लोग यहाँ पर 55 दिन को यहाँ पर फोकस कर सकते हैं कि 55 दिन में हम लोग एक सेलेक्टिव वे में, एक स्ट्रेटजिक वे में पढ़ाई करें, जिसमें हम उन छात्रों का तहे दिल से अभिनंदन करेंगे जो पढ़ चुके हैं, उनका भी अभिनंदन करेंगे जो बिल्कुल से नहीं पढ़े, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ अचीव करने को मौका रहेगा, और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हैं। तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहेगा, एक स्ट्रैटजी रहेगी पूरी की पूरी उस प्रकार से जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है किसी परीक्षा को देख करके। जब हम लोग कभी किसी परीक्षा के नज़दीक होते हैं, चाहे एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन हो, तो एक अलग तरह का एनवायरनमेंट हमारे सामने जनरेट होता है, एक अलग तरह की फीलिंग आती है, हम लोग उसी फीलिंग को बल देने का काम करेंगे, उसी फीलिंग को और मजबूत करने का काम करेंगे, उसी फीलिंग के साथ हम लोग यहाँ पर इस प्रिपरेशन के लिए मंथन करके आपके सामने उस प्रोसीजर को प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़ने का माध्यम, जैसा कि हम लोग बार बार बताते आए हैं और अभी भी यही बता रहे हैं, कि एक हमारे यहाँ से संस्थान के द्वारा एक नंबर जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो ऑथेंटिक नंबर है, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग इसको लीक कर नहीं देते, क्योंकि बहुत सारी पायरेसी के चांसेस आते हैं। तो हमारे तमाम जितने भी अध्यापक हैं, चाहे रवि सर हों चाहे जो है अन्य अध्यापक हों, कोई भी अगर जो इस नंबर को लिखते हैं तो यह नंबर आपके लिए बड़ा ऑथेंटिक होता है। नंबर हमारा है 9119118606677। हम फिर से एक बार नंबर रिपीट कर रहे हैं,
9118606677। आप इस नंबर को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करिए, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में रखिए और वहां पर व्हाट्सएप पे जाकर के आप एंट्री फॉर NTPC लिख दीजिए, जिससे यह मैसेज अगर हमारे संस्थान के डिवाइस में आएगा तो संस्थान के तमाम जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं आपसे संपर्क करेंगे। या तो अभी भी देखिए पट्टी पर एक नंबर चल रहा होगा, कई सारे नंबर चल रहे होंगे, आप उन नंबर्स पर फ़ोन करके आप बेहतर जानकारी ले सकते हैं। रही इतनी बात जो हम थोड़ा सा प्रमोशनल आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे थे, इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं कोर्स की। अब जैसे कोर्स में हम क्योंकि मैथ पढ़ा रहे हैं, आप लोग जानते हैं मैथ्स के बारे में, मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैथ्स की अच्छी एक भूमिका होती है। मैथ्स और रीजनिंग दो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेंगे में रहेंगे NTPC की उन दोनों परीक्षाओं के लिए, जो परीक्षाएं आपकी चाहे वो CBT 1 के लिए हो रही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है आपको पता होगा, या CBT 2 हो रही है। दोनों में अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की भूमिका की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग ऐसी भूमिका में रहेंगे जो आपको परीक्षा में क्वालिफाई करने के उद्देश्य से रहेंगे। अगर आप प्रॉपर वे में इनकी प्रिपरेशन कर चलते हैं तो आप परीक्षा को क्वालिफाई करने की स्थिति में आते हैं। हालांकि देख रहे हैं आप लोग चांसेस बड़े कम मिलते हैं, हम लोग को बहुत सारे कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी में अगर हम बेहतर स्ट्रेटजी बनाकर सही अंजाम में ना पहुंच पाए, सही तरह से अप्रोच ना कर पाए, तो हमारे लिए बहुत ही पछताने की बात होती है, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात होती है। इसलिए भ्रम में ना रह करके, कन्फ्यूजन में ना रह करके, सही सोच के साथ कोर्स के साथ जुड़िए, कोर्स में आप सम्मिलित होइए। हम लोग गारंटी देते हैं, हम लोग पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं इस बात की कि आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इस बात की सिक्योरिटी है। आप इस बात को लेकर चलिएगा, इस बात को अभी हम कह रहे हैं तो इसको हम पूरा भी करके दिखाएंगे। मैथ्स आप सब जानते हैं, हम केवल मैथ्स के बात करेंगे, बाकी अब रीजनिंग की बात तो रवि सर और बाकी सब्जेक्ट्स की बात अन्य टीचर करेंगे। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि मैथ्स की जो रोल है वह आपको किसी भी परीक्षा में दो प्रकार से आप देखने को मिलता है। आप अंगणित के रूप में देखते हैं, आप अंगणित के रूप में मैथ्स की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं, साथ साथ एडवांस मैथमेटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग देखते हैं। हालांकि जब हम लोग मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस अंगणित पर होता है, हम लोग बहुत समय लगाते हैं अंगणित पढ़ने में, और क्यों ना लगाएं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन, हमारी जो बैकग्राउंड होती है बड़ी अजीब होती है, बहुत अच्छी तरह से हम चीज़ों को नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए हम लोग समय देते हैं अंगणित में, और बहुत सारे 90% छात्रों की डिमांड ज़्यादातर अंगणित की ही रहती है। बट अगर सही कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन आज के परीक्षा के माहौल से, जो भी कमीशन परीक्षा आपकी आयोजित कर रही है उसको अगर देखा जाए तो एडवांस की भूमिका बढ़ी है। एडवांस की उस भूमिका को बढ़ा हुआ देख करके हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस उस तरह पर करने की कोशिश करेंगे जो प्रश्न ओरिएंटेड होंगे, लेकिन प्रश्न ओरिएंटेड होने के लिए एडवांस में कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको आंसर देते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट से आप न्यूमेरिकल करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप जो है कहीं ना कहीं फार्मूलों की मदद से भी आप डायरेक्ट उत्तर देने की स्थिति में होते हैं। तो इन तमाम बातों को देखते हुए हमने प्लान किया है कि हम इन प्रमोशनल क्लासेस में आपको एडवांस टॉपिक के, एडवांस मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। एडवांस में हालांकि ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, मेंसुरेशन की भूमिका बहुत अधिक होती है। अधिकतर लोग जो है ज्यामिति और मेंसुरेशन मतलब आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसको कहते हैं, इन पर फोकस्ड होते हैं और हम लोग ज्यादा होते हैं, इसमें हम बिल्कुल से मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इस पर ज्यादा फोकस करते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके और टॉपिक से प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न आपके त्रिकोणमिति से भी इसमें आते हैं, ऊंचाई दूरी से भी आते हैं, कोऑर्डिनेट के भी प्रश्न इसमें आते हैं, एलजेब्रा के भी प्रश्न इसमें आते हैं, DI के भी प्रश्न इसमें आते हैं। तो प्रश्न तो लगभग हर टॉपिक से आते हैं जो आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम आपको ज्यामिति से संबंधित कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो ज्यामिति से संबंधित, क्योंकि आप जैसे कि मैथ्स पढ़े होंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ज्यामिति का टॉपिक मेंसुरेशन से रिलेटेड होता है, बहुत सारी चीज़ें मेंसुरेशन से जुड़ी होती हैं। जैसे आप कोई भी फिगर उठाकर देखिए, आप चाहे वृत्त उठाकर देखेंगे, चाहे त्रिभुज चतुर्भुज, कोई भी फिगर उठाकर देखेंगे तो हर फिगर अगर ज्यामिति में है तो मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति में भी है। तो ज्यामिति के एक पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वह पार्ट हम प्रयास करेंगे कि मेंसुरेशन पर भी डिस्कस करेंगे और ज्यामिति पर भी डिस्कस करेंगे, तो दोनों प्रकार से। हालांकि हम ज्यामिति पे नहीं, मेंसुरेशन पर डिस्कस अभी करने चल रहे हैं, तो मेंसुरेशन और ज्यामिति दोनों पर उस टॉपिक की उपयोगिता होती है। हम एक टॉपिक जो कि सर्कल, जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं और अच्छी तरह से इसका उपयोग करना समझते हैं, सर्कल की इंपॉर्टेंस दोनों में बहुत ज्यादा होती है। सर्कल की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ज्योमेट्री में भी होती है और मेंसुरेशन में भी होती है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों में डिस्कस करके आपको सर्कल एटलीस्ट कंप्लीट कराएं।
तो सर्कल को हम लोग यहां पर मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं, मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं। हम ज्योमेट्री को थोड़ा सा भी हटाकर चल रहे हैं। मेंसुरेशन जिसको हिंदी में हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं, क्षेत्रमिति का मतलब होता है क्षेत्र का अध्ययन करना, क्षेत्र का मीजर करना, क्षेत्र के मीजरमेंट को क्षेत्रमिति कहते हैं। जैसे हमारे पास जो सरफेस होता है, जो फील्ड होती है, जो हमारे पास एक पूरा रीजन होता है, उस रीजन की वैल्यू को मीजर करना, उसके क्षेत्रफल को मीजर करना, उसके परिमाप को मीजर करना ही क्षेत्रमिति का पार्ट होता है। हालांकि जब यही चीज़ हमारे पास किसी एक सॉलिड फिगर के रूप में होती है, थ्री डायमेंशनल फिगर के रूप में होती है, तो वह थ्री डायमेंशनल फिगर में हम आयतन को भी मीजर करते हैं। अभी हमको जो क्षेत्रमिति पढ़ना है वो टू डायमेंशनल हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल होगा वो एक्चुअली एक टू डायमेंशनल प्लेन फिगर है, टू डायमेंशनल प्लेन फिगर है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्लेन फिगर जो बना होता है वह कर्व्ड लाइन से बना होता है। कर्व्ड लाइन मतलब जिसको हम वक्र रेखा कहते हैं, वक्र रेखा से बना फिगर होता है। जबकि आप देखते हैं अधिकतर जितने भी चित्र होते हैं वो आपकी सीधी रेखाओं से बने होते हैं, चाहे आप त्रिभुज पढ़ते हैं, चाहे आप चतुर्भुज पढ़ते हैं, चाहे पंचभुज, खड़भुज या किसी भी प्रकार का चित्र जनरल पढ़ते हैं, तो सब के सब सीधी रेखाओं से बने होते हैं। जबकि अगर हम लोग टू डायमेंशनल फिगर पर जाएं तो सर्कल एक प्लेन फिगर ऐसा बनता है जो वक्र रेखाओं से मिलकर बना होता है, मतलब रेखाओं को रिवॉल्व किया जाता है, घुमाया जाता है। तो घुमाने से हमारे पास चित्र का निर्माण होता है जिसको हम सर्कल या हिंदी में वृत्त कहते हैं, सर्कल या हिंदी में हम लोग वृत्त कहते हैं। हालांकि क्षेत्रमिति के अंतर्गत हमें किसी भी प्लेन फिगर का क्षेत्रफल, किसी भी प्लेन फिगर का क्षेत्रफल और उसी प्लेन फिगर का परिमाप करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरी यहाँ पर जिम्मेदारी होती है कि हम थोड़ा सा आपको क्षेत्रफल के बारे में बताएं और परिमाप के बारे में बताएं। क्षेत्रफल वह रीजन है किसी सरफेस का, वह पार्ट है किसी सरफेस का जो पूरी बाउंड्री को कवर, पूरे सरफेस को कवर करता है। जैसे आपके पास एक फील्ड है, खेत है, उस खेत की सिंचाई करना, उस खेत की जुताई करना, आपके घर का जो फर्श है उस फर्श के ऊपर मार्बल लगवाना, उस फर्श के ऊपर ईंट बिछवाना, यह सब काम पूरे सरफेस को कवर करता है, मतलब क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के अंतर्गत जिस रीजन को भी पढ़ते हैं उस रीजन की जो भी इकाई होती है काउंट करने के दौरान उसका यूनिट स्क्वायर हमेशा किया जाता है। जैसे अगर हम लोग मीटर पढ़ रहे हैं तो मीटर स्क्वायर लेकर चलेंगे, सेंटीमीटर पढ़ रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेकर चलेंगे, जो भी हमारे पास यूनिट रहेगी उस यूनिट का स्क्वायर किया जाता है। दूसरी बात आती है परिमाप, भाई क्षेत्रफल ज्ञात किसका करेंगे? क्षेत्रफल किसी एक बाउंडेड फिगर का करते हैं। वह बाउंडेड फिगर जैसे या बोर्ड है, आपका घर का फर्श है, जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम का फर्श है। आपने अपने गांव में खेत में देखा होगा कि मेड़बंदी की जाती, चारों तरफ मेड़ लगाया जाता है, तो मेड़ के अंदर के सरफेस को हम लोग यहाँ पर खेत कह रहे हैं। तो जो हमारे पास बाउंड्री है उस सरफेस को जनरेट करने के लिए वही बाउंड्री परिमाप है। तो परिमाप आपके लेंथ ऑफ बाउंड्री है, मतलब दीवाल की लंबाई है, दीवाल की लंबाई है, जो दीवाल चारों तरफ बनाई जाती है किसके, किसके पूरे सरफेस के, पूरे रीजन के। इसके लिए जब हम लोग यूनिट का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट यूनिट लिखते हैं, जैसे अगर मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, जो भी रीजन रहेगा उसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक क्रिकेट ग्राउंड इस तरह से बनाया, आप देख रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड इस टाइप का होता है, यहाँ पर आपके 22 गज का मैदान होता है और यहाँ पर कहीं केंद्र होता है इसका, ये जो बाउंड्री है यही परिमाप है इसका। हालांकि इस परिमाप को हम लोग परिध कहते हैं, अभी हम बात डिस्कस कर रहे हैं आपसे। इस पूरे रीजन पे अगर मान लीजिए घास बिछवानी है बोर्ड के द्वारा तो हम क्षेत्रफल पर काम कर रहे हैं, अगर घास बिछवाना है तो क्षेत्रफल पर काम कर रहे हैं, और एडवर्टीजमेंट के लिए बाउंड्री की वाल बनवानी है तो हम परिमाप पर, मतलब परिधि पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो जो हम लोग फिगर पढ़ने जा रहे हैं उस फिगर में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इन्हीं की वैल्यू को पढ़ना होता है। आप यहाँ पर जिस फिगर को पढ़ रहे हैं उसका नाम सर्कल है, मैंने सर्कल के बारे में आपको जानकारी दी कि यह एक टू डायमेंशनल प्लेन फिगर बाउंडेड बाई कर्व लाइन, वक्र रेखाओं से बना होता है। इस फिगर को बनाने के लिए समतल पर किसी एक बिंदु को निर्धारित करते हैं जिसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब इस केंद्र से एक नियत दूरी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नियत दूरी को लेकर चारों तरफ घुमाया जाता है। जिस चित्र का निर्माण होता है उसको हम वृत्त कहते हैं, जिस चित्र का निर्माण होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब वृत्त बना तो वृत्त का जो यह पॉइंट था वह सेंटर कहलाया।
लेकिन वह लेंथ जो नियत थी उसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, डिनोट आर से करते हैं। अगर केंद्र ओ था और यह नियत दूरी बाउंड्री पर हमको ए पे मिला रही थी तो हम यहां पर ओ ए को आर कहेंगे और यह आर वृत्त की त्रिज्या कहलाई। तो हमारे कुछ पहले पॉइंट में, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आएगा कि वृत्त में एक बालू जो कि सेंटर से सरफेस को मिलाने वाली रेखा होती है वह वृत्त की केंद्र से होकर जाती है और वह बालू आपकी त्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी त्रिज्याएं होंगी वह हमेशा उस लेंथ को नोटिस कराएंगी जो सेंटर से सरफेस को मिला रही हैं। तो आप यहां पर जितनी भी लेंथ सेंटर से सरफेस को मिलाएंगे सबकी सब समान होंगी और सबकी सब त्रिज्या कहलाएंगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि सेंटर से अगर हम इस साइड गए तो अगर इतना ही साइड इधर भी चले गए तो यह पूरी लेंथ आर और आर मिलकर 2R हो जाती है और यह 2R वृत्त का व्यास कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम डायमीटर कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको डायमीटर कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे सामने बनकर आया वृत्त का व्यास, और व्यास को हम लोग यहां पर 2R से इंडिकेट करते हैं जिसको d बोलते हैं। जनरली d से डिनोट किया जाता है, तो d इज इक्वल टू 2R, दैट मींस डबल ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड द डायमीटर। रेडियस का दूना करने से जो लेंथ हमारे पास मिलती है वही आपके वृत्त की व्यास कहलाती है। अब जरूरत किसकी है बताइए? जरूरत यहां पर बाउंड्री की है। इस बाउंड्री को, जैसे अगर कोई प्लेन फिगर होता है तो प्लेन फिगर में इस बाउंड्री को जनरली परिमाप कहते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि वक्र रेखाओं से बना होता है इस लेंथ ऑफ बाउंड्री को वृत्त की परिधि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सर्कमफेरेंस कहा जाता है। इसको हम सी कहते हैं, सी का मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का हिंदी अर्थ होता है परिधि। परिधि का फार्मूला होता है सी, आप डिनोट करते हैं सी इज इक्वल टू 2πr। यहां पर आप सी को डिनोट करते हैं 2πr से। तो यहां पर एक नया शब्द बनकर आया हमारे सामने पाई। पाई के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन जैसे कि चैनल पर कर भी चुके हैं पब्लिकली और अभी भी कर रहे हैं। तो पाई एक अलग अलग वेरिएशन पर, अलग अलग अप्रोच पर यूज की जाने वाली एक वैल्यू होती है जो कई जगह पर अलग अलग तरह से बिहेव करती है। जैसे अगर हम इसको कोण के लिए करते हैं तो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसको क्षेत्रमिति में लेकर चले आ रहे हैं तो इसका मान 22/7 होता है। कभी कभी आपके यहाँ एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि पाई निम्नलिखित में किससे संबंधित है, त्रिज्या, व्यास और परिधि से। तो हम कहते हैं कि जो पाई होता है दैट इज द सी अपॉन डी होता है। सी अपॉन डी का मतलब यह परिधि और व्यास का अनुपात होता है। परिधि जो होता है व्यास और सॉरी पाई जो होता है वह परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सी की जगह पर 2πr लिख दें और व्यास की जगह पर 2R लिख दें तो दोनों कटकर केवल पाई प्रोवाइड करेंगे। इसलिए कभी अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि पाई किसको प्रदर्शित करता है तो आप कह सकते हैं पाई जो होता है वह परिधि और व्यास के अनुपात को प्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग यहां पर, कि अगर हम इस पूरे सरफेस, पूरे रीजन की बात करें तो यह रीजन इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। और इस क्षेत्रफल को अगर मैं आपसे काउंट करने को कहूं तो क्षेत्रफल किसी वृत्त का, क्षेत्रफल किसी वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, जिसको एरिया से इंडिकेट किया जाता है। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। आप आर को दो बार गुणा करते हैं और पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। कभी एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करें, अगर हम 7 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या वाला वृत्त नोटिस करें, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त नोटिस करें और उस वृत्त की हम आपसे कहें कि इसका व्यास क्या होगा, सबसे पहली चीज आर की वैल्यू 7 अगर बताई गई है तो आप यहां पर व्यास डायमीटर आप 2 × r, 2 × 7 मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम परिधि मतलब सी की बात करें तो 2πr, कहने का मतलब 2 × 22/7 गुड़े आप 7 कर दीजिए, 7 से कट करके 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो 22/7 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 कर दीजिए, 7 से कट करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह एक जनरल अप्रोच बताने का सिस्टम, जिसका यूज हम लोग फार्मूलों को समझाने के लिए करते हैं कि ऐसे कोई नंबर लेकर के हम वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि, हम उसके क्षेत्रफल को काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ने की दिशा में अगर हम वृत्त पर अगला अप्रोच देखें तो वृत्त पर अगला अप्रोच बनता है सेमी सर्कल कहलाता है। सेमी सर्कल को हिंदी में अर्धवृत्त कहते हैं, इसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। अब अर्धवृत्त क्या है आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जब कभी जैसे कोई सर्कल हमारा बना था, मान लीजिए सर्कल था आपके पास, सर्कल का अपना सेंटर था, सेंटर से जो लाइन पास होती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। अगर हम इस व्यास
जो हमने यहाँ पर बनाया, इससे हम क्या करें, इस रीजन को मतलब नीचे के रीजन को ऐसे हम इसको हटा दें, और हटा देने से अभी देखिए आपका फिगर कुछ ऐसे बन गया, फिगर कुछ ऐसे बन गया। इसका केंद्र तो वही है, रेडियस है इसके पास, क्लियर है, रेडियस भी आपके सामने बनकर आई। तो यह एक तरह से इस वृत्त का आधा भाग है, आप देख सकते हैं वृत्त का आधा भाग है, जिसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। मतलब आपने क्या किया कि चाहे नीचे का सेगमेंट गायब कर दिया, चाहे ऊपर का सेगमेंट गायब कर दिया, तो जो हमारे पास चित्र का निर्माण हुआ वह सेमी सर्कल अर्धवृत्त कहलाया। यह सेंटर इसका है, अभी भी यह इसका केंद्र है। अगर हमसे इसमें कोई इसके बारे में पूछेगा तो मैं कहूंगा भैया इसका त्रिज्या तो आर है, त्रिज्या आर है। इसका व्यास अगर किसी ने हमसे पूछा तो हम व्यास के बारे में भी जानकारी दे देंगे, 2R है। इसकी परिधि, इस पे पहले क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल इसका, क्योंकि पूरे सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इस क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। बात यहां पर परिधि या परिमाप की होती है। जब आप नॉर्मल सर्कल फेस करते हैं तो उस समय हम लोग उसके परिमाप को परिधि कहते हैं, लेकिन यहां पर जब हम लोग अर्धवृत्त फेस करते हैं तो ज्यादातर यहां पर अर्धवृत्त का परिमाप कहा जाता है। अर्धवृत्त का परिमाप समझिए, परिमाप कैसे इंडिकेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, तो परिमाप हमेशा किसी फिगर का लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, संपूर्ण बाउंड्री की जो लंबाई होती है वही उस फिगर का परिमाप होता है। अगर हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम बाउंड्री को नोटिस करें, जैसे ये पूरी बाउंड्री। अब आप बताइए जब यह पूरा होता था तो 2πr होता था, अब जब केवल इतना है तो यह आपका केवल πr है। लेकिन आपको याद होना चाहिए और समझना चाहिए कि यहां पर यह भी बाउंड्री है, और इस बाउंड्री की लेंथ आप देखेंगे तो r प्लस r मतलब 2r है। अब यहां पर r अगर कॉमन कर लें तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, जो वृत्त का परिमाप कहलाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप कहलाएगा, r पाई प्लस 2। यह कंफ्यूजन का विषय होता है, कई सारे लोग को इस बात का भ्रम रहता है कि परिमाप यहां पर क्या होगा। तो परिमाप में इस आर को दो बार करके, मतलब इसको डायमीटर मान करके उस आर्क में जोड़ देते हैं, तो जाकर पाई आर प्लस 2R, मतलब आर अगर कॉमन कर लिया जाए तो पाई प्लस 2 प्राप्त होता है, जो इस अर्धवृत्त का परिमाप बनता है। आगे बढ़ते हैं, वृत्त का एक अन्य अप्रोच जिसको हम क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर को आप जो है चतुर्थांश भी कह सकते हैं, आप चतुर्थांश भी कह सकते हैं, मतलब चतुर्थक कह सकते हैं किसी सर्कल का एक चौथाई हिस्सा। जैसे आपके पास एक सर्कल थी, सपोज करिए ऐसे सर्कल को ऐसे हम सेंटर से पास करा करके दो लाइन खींच दें, जिससे सर्कल हमारा दो हिस्सों, चार हिस्सों में बढ़ जाए। चार हिस्सों में जो केवल इतना हिस्सा है, अगर हम इसको कहीं निकाल कर ऐसे रख लें, ऐसे कहीं निकाल कर रख लें, तो यही हिस्सा आपका क्वार्टर कहलाता है। अब इस क्वार्टर में अगर देखा जाए तो इसमें भी सेंटर है, इसमें भी सेंटर है, इसमें भी त्रिज्याएं हैं, इसमें भी कर्व है, सब कुछ यहां पर भी है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। सबसे पहले हमसे कोई पूछेगा त्रिज्या, तो त्रिज्या हम यहां पर तुरंत बताएंगे आर है। व्यास तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सीधी रेखा जा ही नहीं रही है, तो व्यास कोई नहीं पूछेगा हमसे। इसमें लोग पूछेंगे क्षेत्रफल, हम कहेंगे भैया जब पूरा सर्कल आपका कंप्लीट पाई आर स्क्वायर था तो यह तो उसका एक चौथाई है, अगर यह उसका एक चौथाई है तो इसका मान 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बात यहां भी परिमाप की होगी, तो हम सब परिमाप के लिए अच्छी तरह से जानते हैं परिमाप लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। अगर लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है तो सबसे पहले मुझे इस लेंथ की बात करनी होगी। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पूरी लेंथ हमारी 2πr थी, पूरी लेंथ 2πr थी, अब जब केवल हम एक चौथाई हिस्सा ले रहे हैं तो यह आपका 2πr का एक चौथाई होगा, मतलब पाई आर बाई 2 होगा। क्या होगा? पाई आर बाई 2 होगा, प्लस आपको अभी इसको भी बाउंड्री मानकर चलना पड़ेगा, मतलब इस आर और इस आर मतलब 2R को भी जोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली मेरे सामने जो परिमाप बनकर आएगा वह हो जाएगा, अगर मैं R को कॉमन कर लूं तो पाई बाई 2 प्लस 2, यह इस अर्धवृत्त का सॉरी क्वार्टर का परिमाप बनकर आया। तो क्वार्टर का परिमाप हमारे सामने R पाई बाई 2 प्लस 2 हो जाएगा, जो किसी क्वार्टर मतलब चतुर्थक का या चतुर्थांश का परिमाप कहलाया। आप समझ पा रहे होंगे जो हम बातें कर रहे हैं, यहां पर चतुर्थांश बनाने की स्थिति ये सामने आ रही है। आगे देखिएगा, हाँ याद रखिएगा, जब भी कभी लीनियर लेंथ की बात की जाएगी, जैसे कि आपके त्रिज्या की, परिधि की या परिमाप की, तो आप हमेशा यूनिट यूज करेंगे, मात्रक, जैसे मीटर है तो मीटर यूज करेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यूज करेंगे, जो भी है वही यूज करेंगे। जैसे क्षेत्रफल की बात होगी, क्षेत्रफल की दशा में हम लोग हमेशा यूनिट का स्क्वायर यूज करेंगे।
सर्कल की एक और महत्वपूर्ण टर्म्स को डिस्कस करना भी रिक्वायर्ड है, रिंग। रिंग को जनरली हम लोग छल्ला कहते हैं। छल्ला अर्थ समझिए जो सर्कल का ही पार्ट होता है। आप समझने की कोशिश करिए, जैसे कभी आप चाहे क्रिकेट ग्राउंड ले लीजिए, चाहे किसी पार्क में जाइए, तो वहां अगर सर्कुलर पार्क बना हो, सर्कुलर सरफेस बना हो, जहां पे पेड़ लगे हो, चारों तरफ उसके अगर पाथ हो, कभी कहीं किसी किसी शहर में ऐसा कोई गार्डन होता है जहां पर सर्कुलर ऐसे ही पार्क बना है, उस पार्क के चारों तरफ रास्ता बना है, रास्ते पर लोग वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं, ऐसे लोग कुछ घर के आसपास भी करवा सकते हैं। क्रिकेट ग्राउंड में भी आप देखते हैं कि अगर हमारे पास यह पूरा सरफेस है, एक सर्कल जिसका अपना एक केंद्र है, केंद्र से एक नियत दूरी है, जैसे आप क्रिकेट ग्राउंड में देखिए तो एक रस्सी लगी होती है, रस्सी के बाद भी यहां पर कुछ लेंथ के बाद एक दीवार टाइप की ऐसे बनी होती है। तो अगर जब इस प्रकार के फिगर की कोई बात करता है तो उसमें दोनों का केंद्र सेम होता है, केंद्र दोनों स्थितियों में आपका सेम होता है। हाँ, त्रिज्याएं आपकी वैराई कर जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। अगर हम यहां से यहां तक मिलाएं तो यह स्मॉल आर है, जबकि यहां से डायरेक्ट यहां तक मिलाएं तो कैपिटल आर है। इस दौरान जैसे हमारे पास अगर इस प्रकार का कोई मैदान हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमसे कोई कहेगा भैया आंतरिक त्रिज्या, भाई एक प्रकार से आपको दो सर्कल प्राप्त हुए, दोनों सर्कल कोसेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक ही केंद्र पर आधारित वृत्त है। यहां पर आंतरिक त्रिज्या की कोई बात करेगा तो हम आंतरिक त्रिज्या को कहेंगे कि यहां पर स्मॉल आर है। कोई बाह्य त्रिज्या की बात करेगा तो हम बाह्य त्रिज्या में कह देंगे कि आपका कैपिटल आर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हमसे यहां पर रस्ते की चौड़ाई पूछा जाता है, मतलब इस चौड़ाई की बात की जाती है जिसको हम डी या विड्थ कह देंगे, मतलब चौड़ाई जो कि आपकी विड्थ ऑफ पाथ, विड्थ ऑफ पाथ, रस्ते की चौड़ाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या क्या जा सकता है, भाई अगर मुझे आंतरिक क्षेत्रफल पूछेगा तो स्मॉल आर का यूज करेंगे, बाह्य पूछेगा तो हम कैपिटल आर का यूज करेंगे, लेकिन जो पूछा जाएगा इसमें आपको रस्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, और उस रस्ते पर ही जैसे मुझे ईंट बिछवानी है, उस पर पत्थर लगवाना है, उस पर घास लगवाना है, कुछ भी काम करना है, तो उस दर के हिसाब से हम लोग यहां पर पेमेंट करते हैं। इसके लिए मुझे क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, और इस समय अगर हमसे किसी छल्ले का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो छल्ले का क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये जो हमने अभी बनाया यही छल्ले का सेगमेंट है जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने को कहा जाएगा। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप समझ सकते होंगे क्योंकि मुझे इस पाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर हम संपूर्ण वृत्त से हम छोटे वाले वृत्त को घटा दें, मतलब संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें, जो कि आपको शायद यहां दिख नहीं रहा होगा तो एक बार देख लीजिए, हम यहीं पर बना दे रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम एरिया फाइन कर रहे हैं संपूर्ण वृत्त से, हम छोटे वाले वृत्त को अगर घटा दें तो हमें जाकर के पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्राप्त होता है, या आप इसको अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप पाई आर प्लस आर कह सकते हैं और आर माइनस आर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें रिंग का क्षेत्रफल या छल्ले का क्षेत्रफल प्राप्त हो पाएगा। तो छल्ले के क्षेत्रफल के लिए आपको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से बड़ी त्रिज्या का यूज करके, जो बाउंड्री मतलब रास्ते को लेकर से हो रही है और बिना रास्ते का जो वृत्त बन रहा है, दोनों वृत्तों को यूज करना होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपके रास्ते का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपने देखा, रास्ते के क्षेत्रफल की स्थिति को आपने पढ़ा। इसके बाद वृत्त के और भी कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उनको भी समझने की जरूरत होती है। जैसे कि वृत्त में अगर हम बात करें सेक्टर की, सेक्टर की जो हिंदी होती है होती वृत्तखंड, हालांकि जब हम ज्यामिति पढ़ते हैं तो वहां पर सेक्टर सेगमेंट ये सब समझाया जाता है, लेकिन यहां भी रिक्वायरमेंट होती है कि सेक्टर का क्षेत्रफल परिमाप अगर ज्ञात करना हो तो कैसे कर पाए। तो पहले समझिए सेक्टर बना कैसे वृत्त में। जैसे यह वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त की बाउंड्री पर दो पॉइंट अगर आप ले लें, सपोज करिए ए ले लिया, बी ले लिया, अब आपने क्या किया बताइए, इस ए को ले जाके सेंटर से मिलाया, बी को सेंटर से मिलाया, हालांकि ऐसे ही हमने क्वार्टर प्राप्त किया था और ऐसे ही हमने सेमी सर्कल प्राप्त किया था, यही प्रक्रिया अप्लाई करके, लेकिन वो अलग से अप्रोच बन जाता है। आपने जब अर्धवृत्त बनाया तब भी बाउंड्री पर दो पॉइंट थे, दोनों 180 डिग्री बना रहे थे। क्वार्टर बनाया तब भी बाउंड्री पर दो पॉइंट थे, दोनों 90 डिग्री बना रहे थे। यहां पर भी एक कोण बना जिसका मान है थीटा, हालांकि यह ना तो हम थीटा को हम 90 डिग्री मान रहे हैं, ना तो हम यहां पर 180 मान रहे हैं, यह जरूरत के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। जो थीटा हुआ उसको हम वृत्तखंडीय कोण कहते हैं।
वृत्तखंडीय कोण, या इंग्लिश में हम इसको सेक्टेरियल एंगल कहते हैं, या हिंदी में इसको वृत्तखंडीय कोण कहते हैं। इसके हिसाब से वृत्त दो सेगमेंट्स में या दो सेक्टर्स में बढ़ जाता है। एक सेक्टर आपका यह रीजन होगा जिसको हम लोग माइनर सेक्टर या लघु वृत्तखंड कहते हैं, हिंदी में लघु वृत्तखंड, आप इंग्लिश में इसको माइनर सेक्टर कहते हैं। अब आपको पता है अगर यह थीटा है तो यह रीजन भी तो होगा, और किसी सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वह 360 डिग्री होता है। तो आपको इस रीजन की अगर मैं बात करूं तो यह रीजन आपका दीर्घ वृत्तखंड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेजर सेगमेंट, इसको हम लोग मेजर सेक्टर, इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, जो इस पर डिपेंडेंट होगा। और इस कोण की बात अगर हम लोग करें यहां पर, तो इस कोण का मान अगर यह थीटा है तो यह 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। भाई यह भी कोण होगा लेकिन 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब आप थोड़ा सा और समझिए बातों को। जब कभी हम इस प्रकार की बात यहां पर जो भी हम कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपके यहां आती है, तो इस रिक्वायरमेंट में क्या सिचुएशन बनेगी समझिए। सेंटर रहेगा, सरफेस पर दो पॉइंट रहेंगे, दोनों पॉइंट जाकर यहां थीटा बनाएंगे, और हमसे पूछा क्या क्या जाएगा। सबसे पहली चीज हमसे पूछा जाएगा आर्क लेंथ ए बी, ऐसे कैप लगा देगा। इस कैप का मतलब हो गया आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, इसको हिंदी में चाप की लंबाई कहते हैं, चाप की लंबाई। अब इस चाप की लंबाई मतलब आर्क लेंथ, अगर ए बी के ऊपर कैप लगाया, केवल इतना हमसे पूछा गया है, इस ए बी की वैल्यू पूछा गया है। इस ए बी की वैल्यू बताने के लिए यहां पर इसकी त्रिज्याएं दी होंगी, त्रिज्याएं दी गई होंगी आर या तो आर। अब आपको पता है सेंटर से कोई लाइन बाउंड्री पर मिलती है तो त्रिज्या ही कहलाती है। ऐसी दशा में अगर हम इसको ज्ञात करते हैं, जैसे अभी हमने क्वार्टर का ज्ञात करवाया था, जैसे हमने आपको सेमी सर्कल का ज्ञात करवाया था, ऐसे इसका भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन किसकी मदद से? थीटा की मदद से। जब आप सेमी सर्कल पढ़ रहे थे तो यहाँ कोण 180 का बन रहा था, तो भी आपने इस लेंथ को निकालने के लिए सोचा कि यह वृत्त का आधा हिस्सा है। वृत्त का आधा हिस्सा क्यों बना था? क्योंकि हम जानते हैं वृत्त का कंप्लीट एंगल 360 होता है, और 360 में 180 वृत्त का आधा कोण बन रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसका मान, हमको पता है 1/2 है, 1/2 को हमने 2πr से गुणा किया था, तब जाकर के यह पाई आर बन पाया था। सेम प्रक्रिया यहां पर अगर आर्क लेंथ आपसे पूछा जाएगा तो आप यहां पर सबसे पहले थीटा को बताइए, थीटा इस पूरे 360 का क्या भाग है? आप कहेंगे थीटा अपॉन 360 है, लेकिन कैसे है? अब हाँ, मुझे ज्ञात इस लेंथ को करना है, जबकि यह पूरी बाउंड्री 2πr के बराबर होती है, तो आप इसको 2πr थीटा अपॉन 360 कह सकते हैं, या थोड़ा सा अगर हम इसको शॉर्ट कर दें तो आर्क लेंथ AB की जो लंबाई बनेगी वो हो जाएगी πr थीटा अपॉन 180 डिग्री, πr थीटा अपॉन 180 डिग्री आर्क लेंथ की लंबाई हो जाएगी। मान लीजिए यहां कोण 60 डिग्री दिया है, यहां कोण 60 डिग्री दिया, 60/360 1/6 गुड़े 2πr। अब आप चाहोगे तो उसको 1/3 पाई आर कह सकते हो, आपकी जरूरत के हिसाब से। तो पहली चीज मैंने बताया कि आपसे आर्क लेंथ पूछेगा, लेकिन आर्क लेंथ पूछने के साथ साथ हमसे यहां पर यह कहा जा सकता है कि आप इस पूरे का परिमाप ज्ञात करके बताइए। तो परिमाप अगर हमसे पूछ लिया, जो हमसे परिमाप पूछ लिया, तो हम परिमाप के लिए इसी में, जैसे अगर हमसे परिमाप पूछ लिया तो परिमाप में आप क्या करेंगे, इसी में बस 2r जोड़ देंगे। बताइए क्यों जोड़ देंगे? इसलिए जोड़ देंगे क्योंकि यह लेंथ और यह लेंथ पूरा मिलकर के यह सेक्टर जनरेट करेगी। अगर इस सेक्टर का परिमाप हमसे पूछ लिया जाए इन केस, तो आपको क्या करना है कि इस पाई आर थीटा अपॉन 180 जो कि केवल आर्क की लंबाई है, इसमें आर और आर को जोड़ देना है, जिससे इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा, इस पूरे सेक्टर का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। दूसरी बात, सेक्टर का हमसे क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। अब इस सेक्टर का क्षेत्रफल अगर इन केस हमसे पूछा गया, देखिए हम कैसे कर पाते हैं सेक्टर का क्षेत्रफल, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस तरह का अगर हमारे सामने सेक्टर बना तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको हम जैसे सर्कल का सेमी सर्कल जब बनाए थे तो आपने देखा था, क्योंकि सेमी अर्धवृत्त होता था, तो अर्धवृत्त पूरे वृत्त का आधा होता था, तो वहां पे क्या करते थे, पूरे सर्कल का हम आधा कर देते थे। अच्छा, आधा क्यों था? क्योंकि 180 डिग्री बनाता था, और 180 360 का आधा होता है। जब वही क्वार्टर बना था तो एक चौथाई होता था, क्योंकि 90 डिग्री 360 का एक चौथाई होता था। यहां पर भी तो आपको देखना है कि थीटा इस पूरे 360 का कितना भाग है, तो हम कहेंगे थीटा पूरे 360 का
थीटा अपान 360 पार्ट है। जब हम क्षेत्रफल ही ज्ञात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल के लिए बस पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनल मेरे पास जो एरिया आया वह हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। यह इस प्रश्न का आंसर हो गया। मतलब कहने का सेंस हुआ यहां पर सेक्टर को ज्ञात करने का फार्मूला हो गया, जो वृत्त का वृत्तखंड बनेगा उसको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का रूल हो गया। अब यहां पर यह भी ध्यान देना होता है, जैसे कभी कभी मान लीजिए हमसे इस अपर का पूछ ले, मतलब लोअर का भी दिया है अपर का पूछ ले, आपको पता है पूरे वृत्तखंड पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है और पाई आर स्क्वायर से मैंने केवल इतना हिस्सा निकाला है। अगर हमसे अपर का पूछ ले या तो आप थीटा को पहले ही 360 से घटा करके यह रूल लगाइए या तो इसको निकाल करके पाई आर स्क्वायर से इसको घटाइए तो आपको ऊपर के सेक्शन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यह आपके वृत्त की वो तमाम जानकारियां हैं जो मेंसुरेशन से संबंधित होती हैं, क्षेत्रमिति से संबंधित होती हैं, जो मैंने यहां पर अभी आपको केवल समझाया है अप्रोच के माध्यम से। इस अप्रोच को आप गहराई से सीखिए, वृत्त पर जानकारी रखिए, वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न और इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी हम लोग आगे की प्रमोशनल क्लासेस में आपको देते रहेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के अगले अप्रोच अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।